तो बच्चों क्या हाल है, इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चंस ये हैं कि हमारे नंबर बहुत कम हैं, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स भी से भी कम हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ से भी मेरे नंबर कम हैं। किसी के नंबर 20 हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ये मार्क्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं क्या एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरा सवाल है PWD वेरिफिकेशन के लिए जाना है या नहीं जाना चाहिए। एक मिनट बेटा, चश्मा पहन लूँ। हाँ, अब ठीक है। तो बेटा वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे आते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ, बट वो तो बिना वीडियो लाइक किए ही निकल जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। और आप ये ज़रूर जानते होंगे कि PWD बच्चों की जो मदद मैं कर रहा हूँ वो इनिशिएटिव किसी और ने नहीं लिया है, तो वो भी आपके सपोर्ट से ही मैंने लिया है, लेकिन ये आपका सपोर्ट मुझे बरकरार रहना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, वैसे तो आप कट ऑफ मार्क्स सुन लो सबसे पहले। तो जनरल PWD बच्चे के लिए एटलीस्ट 146 मार्क्स होने चाहिए उसके क्वालिफिकेशन के लिए। बात करें SC OBC PWD बच्चे की, तो 129 से 145, एटलीस्ट 129 होने चाहिए। और ST PWD बच्चा है तो उसके भी 129, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स इससे भी कम है तो क्या होगा, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो बेटा, PWD सीट तो वैसे भी वैकेंट रह जाती हैं, पूरी तरीके से भरी नहीं जाती, तो ये कह देना कि क्वालिफाइंग मार्क्स से आपके कम है तो आप अपीयर नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। मतलब लास्ट ईयर के ट्रेंड्स ये सारी बातें बताते हैं कि बच्चों को एडमिशन 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 96 मार्क्स, 98 मार्क्स पर भी मिला हुआ है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स से कम था। लेकिन इस बार कई स्टेट्स में जैसे कर्नाटका एंड केरला में वो बच्चे रिजेक्ट कर दिए गए जिनके मार्क्स क्वालिफिकेशन से डाउन थे। लेकिन MCC का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो MCC क्या कहती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए PWD वाले बच्चों का नोटिस सबसे पहले जारी होता है, जो कि जल्दी होने ही वाला है। और जब वो नोटिस जारी होगा, उस नोटिस के अंदर लिखा होता है कि PWD बच्चे अपना NTA सेंटर्स पर जाकर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लें, जो कि रीवेरिफिकेशन होती है। तो अगर वहां पर ये लिखा होता है कि ओनली क्वालिफाइड PWD कैंडिडेट्स आर नोटिफाइड टू गो एंड मेक देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर ये लिखा होता है तो फिर बेटा आपके लिए खतरे की घंटी है जिनके नंबर क्वालिफिकेशन से कम है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो फिर आपको NTA सेंटर विजिट करना है, अपनी डिसेबिलिटी जो है वो वेरीफाई करानी है, और अगर आपको बेटा रिजर्वेशन मिल जाती है, अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता है सक्सेसफुली, तो उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर एडमिशन भी ले सकते हैं। तो बेटा मोटी मोटी यही बात है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्प भी करेगी। तो बेटा अब तो वीडियो को प्लीज़ आपको लाइक करना ही पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चंस के लिए और सजेशंस के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और अगर आपको हमसे सोशल नेटवर्क्स पर जुड़ना है तो इस वीडियो के अबाउट सेक्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक है। वो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर नहीं पोस्ट कर सकते वो वहाँ पर पोस्ट होती हैं। और अगर मुझसे पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है TheVickySingh, TheVickySingh, और वहां से आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिस जो कि बहुत मिनिमल है, और जो कॉस्ट है उसकी बहुत मिनिमल है, और उससे हमारे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है, जिससे कि हम आप जैसे और कैंडिडेट्स की मदद आने वाले कई वर्षों तक करते रहेंगे। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।